अरे भोजन के भी बमाशा आ गए, जोरदार तालियां आप इस कार्यक्रम के ऐसे संयोजक भी है। सतेसठवीं खेल प्रतियोगिता फुटबॉल और क्रिकेट जूनियर वर्ग के उद्घाटन समारोह में मंच पर विराजमान हमारे बड़ी सादरी विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय नेता और पूर्व विधायक श्रीमान प्रकाश जी चौधरी साहब आज के इस आयोजन की अध्यक्षता कर रहे पंचायत समिति धमोदर के प्रधान साहब गोपाल जी मीणा साहब, उप प्रधान साहब सूरजमल जी मीणा साहब, मंच पर विराजमान विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, विभिन्न ग्राम पंचायतों से पधारे सरपंच महोदय, हमारे क्षेत्र के मंडल अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के श्रीमान किशोर जी पाटीदार साहब, हमारे स्थानीय गांव के इकाई अध्यक्ष ठाकुर साहब जुगार सिंह जी सिसोदिया साहब, स्थानीय संस्था के संस्था प्रधान समर्थ मल जी धमानिया साहब, स्थानीय आयोजन के मुख्य निर्णायक श्री महेंद्र जी सराडे साहब, विभिन्न विद्यालयों से टीम प्रभारी के रूप में बच्चों के साथ मार्गदर्शन प्रदान करने, संरक्षण प्रदान करने हेतु पधारे सभी टीम प्रभारी साथियों, इस विद्यालय के ऊर्जावान शिक्षक साथियों, इस पूरे आयोजन को सफल अंजाम देने के लिए तन मन धन से सहयोग करने वाले इस गांव के ऊर्जावान साथियों, टूर्नामेंट समिति के सदस्यों, सभी युवा साथियों, सभी छात्र छात्राओं, आप सभी का इस विद्यालय प्रांगण में तहे दिल से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। समय विपरीत परिस्थितियां बनी हुई थी, ऐसा लग रहा था उद्घाटन समारोह जो कि कल होना था, इंद्रदेव की मेहरबानी से वो एक दिन बाद हुआ, जिसको हम आज अंजाम दे रहे हैं। कहते हैं समय जो भी करता है अच्छा ही करता है, आज हमारे कोई जल्दबाजी नहीं है, बहुत अच्छा मौसम, खुला मौसम और शांति से प्रतियोगिताएं भी चल रही है, भोजन प्रसादी भी हो गई है और श्रीमान जी समय पे पधारे हैं और आज इस आयोजन की गरिमा बढ़ा रहे हैं। श्रीमान, ये आयोजन बच्चों की खेल प्रतिभा को उजागर करने के लिए ये आयोजन होते हैं, पूरा जिला है, सभी आयोजन एक ही विद्यालय में संभव नहीं है, तो एक एक दो दो प्रतियोगिताएं हर विद्यालय को जिले में दी जाती है और ये आयोजन होते हैं। आज की तारीख में कनाड़ के अंदर भी एक प्रतियोगिता चल रही है, दो दिन बाद पिल्लू के अंदर भी प्रतियोगिताएं होती है, इस तरह से जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन हमारे यहाँ भी हो रहा है, इस विद्यालय का सौभाग्य है, गाँव वालों का सौभाग्य है, हमारा सौभाग्य है कि हमें ये आयोजन मिला और सबके सहयोग से इस आयोजन को हम सफल अंजाम देने जा रहे हैं। हमारे लोकप्रिय नेता प्रकाश जी चौधरी साहब, इनके लिए जितना भी कहा जाए बहुत कम है, ये चाहे जीते चाहे हारे हमेशा ये हमारे नेता बन के रहे हैं और हमारी जो भी समस्या है इन्होंने सुनी है और उनका समाधान किया है। मैं घटनाक्रम जिसका मैं स्वयं साक्षी था शायद आपको भूल गए होंगे क्योंकि बहुत लंबा क्षेत्र है, बहुत सारे कार्यकर्ता मिलते हैं, सारी बातें याद रखना संभव नहीं है। इसी मंच पर हमारे गांव के विक्रम सिंह जी, मैं बात कर रहा हूं उस कार्यकारी गहलोत साहब के, वसुंधरा मैडम के कार्यकाल से पहले विद्यालय सेकेंडरी था, इसको सीनियर सेकेंडरी करना था,
तो कार्यकर्ताओं को उम्मीद रहती है हमारे नेता है हमारी बात नहीं टालेंगे। कार्यक्रम में आप बोल रहे थे, बारिश भी हो रही थी और आपसे बार बार कहा जा रहा था कि घोषणा करो सीनियर स्कूल, लेकिन आपने अपनी मजबूरी बताई कि जब तक आगे से कोई नोटिफिकेशन नियम नहीं बनता है तब तक हम बीच में घोषणा नहीं कर सकते, लेकिन जब भी सरकार ये निर्धारित करेगी नियम क्रमोन्नत करेगी विद्यालय उसमें पहला विद्यालय रिफाल नहीं होगा, ऐसा आपने आश्वासन दिया था। थोड़े दिनों बाद संयोग से सरकार की तरफ से विद्यालयों को क्रमोन्नत करने की व्यवस्था लागू हुई पहल हुई, उसमें फिर हमने निवेदन किया आपसे तो आपने कहा बिल्कुल होगा, लेकिन आपको समय कम था तो आपने बोला कि आपको उदयपुर आना पड़ेगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा आदरणीय लक्ष्मण जी धमनिया साहब को, आदरणीय जुगार सिंह जी को, उस समय के सरपंच साहब बसंत लाल जी मीणा साहब, उस समय के सचिव साहब संपत लाल जी खड़े साहब, मांगीलाल जी पाटीदार साहब, आपका मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। हम गाड़ी करके आपके पास गए थे और आपको मैं सुनाता हूँ उस विधानसभा की बात, प्रकाश चौधरी आपकी तो कौन है कि प्रकाश चौधरी है, है? लेकिन जब हम वहाँ गए तो मालूम पड़ा कि वास्तव में प्रकाश चौधरी क्या चीज़ है। आपने हमको विधानसभा में बिठाया और विधानसभा चल रही थी लेकिन आप समय निकाल के वापस हमारे पास आ गए और बोले चलिए अब हमारी क्या समस्या है। सर ने बोला कि एक एक करके बताइए आप, सबसे पहले हमने स्कूल का समस्या बताई कि सेकेंडरी है सीनियर सेकेंडरी करना, चलिए सबसे पहले ये काम करते हैं। तत्कालीन शिक्षा मंत्री ब्रज किशोर जी शर्मा साहब थे उनके पास आप ले गए हमको, जैसे हम गए हमारे पीछे पीछे 100-200 लोगों की टीम, बीच में सब लोग खड़े हो गए ये क्या है, अरे तो प्रकाश जी चौधरी का जुलूस है विधानसभा में चल रहा है। तो जैसे हम गए शिक्षा मंत्री जी अपनी सीट से उठ गए, पता नहीं प्रकाश जी साहब क्या है, हमारे कार्यकर्ता आए हैं और रठाजना के और इनकी बात कटनी नीचे है, क्या है कि विद्यालय क्रमोन्नत करना रठाजना। तो शिक्षा मंत्री जी बोले कि आपका टारगेट पूरा हो गया प्रकाश जी, आप नहीं दे सकते। फिर आपने कहा नहीं कुछ भी हो रठाजना तो होना ही चाहिए। फिर मंत्री जी ने बोला कि एक नाम काटो उसमें से जो आपने पहले लिस्ट दी, लाओ ले हो, और आपके क्षेत्र से एक विद्यालय का नाम काटा और रठाजना का जोड़ करके विद्यालय को करवा। जब आदेश आया लिस्ट आई उसमें नाम नहीं आया रठाजना का। फिर मैंने रात को 10 बजे फोन किया, आप भूल गए होंगे। फिर आपने मेरे को जो आपके पीए थे एक सुथार साहब चित्तौड़ के उनके नंबर दिए, मैंने जैसे नंबर डायल किए और वो मेरे परिचित निकल गए, सुहागपुरा में प्रिंसिपल रहे थे वो। आपने कहा उनसे संपर्क करना, मैंने बोला तो उन्होंने कहा मैं सुबह ही जाता हूँ। सुबह गए वो जयपुर और दूसरे दिन रठाजना का नाम जुड़वाया और ये रठाजना सीनियर स्कूल में क्रमोन्नत था। ये कितनी तसल्ली हुई हमें कि वास्तव में नेता हो तो प्रकाश जी चौधरी जैसा हो। ये काम हुआ, उसके बाद ये जो पानी की टंकी दिख रही है आपको 1,90,00,000 की, 65 लाख लगभग 2 करोड़ के आसपास उन मंत्री जी के पास ले गए, हाथों हाथ वहीं पे वो कमाए। तो इस तरह से हमें तसल्ली हुई कि हमने यहां आकर के भूल नहीं की। तो इसके अलावा भी शमशान घाट की समस्या थी, निवेदन किया था आपने, यही कहा था कि 50,000 जमा करा दो आपके 1-15 दिन में शमशान घाट की समस्या निकलवा दूंगा। तो गांव से कलेक्शन करना थोड़ा सा समय लग सकता है, तो हमने यहाँ प्रसाद कमेटी जो गांव के सदस्यों से महानुभावों से पैसा लेते हैं वो फंड अब 4 लाख के आसपास पहुंच गया है, उसमें से 50,000 निकाले पंचायत को दिए रसीद कटाई और वो शमशान घाट का काम भी। तो इस तरह से आपके मार्गदर्शन में हमारे इस तरह से काम हुए हैं। तो मैंने पहले कहा है आप चाहे हारे चाहे आप जीते आप हमारे नेता हैं, आपने बराबर हमारा ध्यान रखा है। जिंदगी में जिंदगी के खेल में चाहे ग्राउंड में खेलो चाहे राजनीति खेलो कुछ भी हो किसी भी प्रकार का खेल हम खेलते हैं, अगर दो चीज वो खिलाड़ी स्वीकार कर लेता है विनम्रता से वो सफल होता है। पहली चीज होती है हार और दूसरी चीज होती है जीत। दो विकल्प होते हैं खेल में, या तो आप हारोगे
या फिर आप जीतोगे। विनम्र भाव के साथ अगर आप हार को भी स्वीकार कर लेते हैं, जीत को भी स्वीकार कर लेते हैं, तो आप अपने जीवन में सफल रहते हैं। यही खूबी मैंने भाई साहब प्रकाश जी चौधरी साहब ने देखी है। तो हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे इस कार्यक्रम में बढ़ाए, यहाँ की शोभा बढ़े। लंबे समय से हम इंतजार कर रहे थे कि आपसे मिलना भी हो जाएगा और हम अपनी बात भी रख पाएंगे। विद्यालय में आप पढ़ा रहे, कहते हैं ना मांगने वाले की मांग कभी खत्म नहीं होती है, और कहावत भी हमारे इसमें कि मांगे वंडे नहीं पटे, कोई दे न कोई नटे, न कोई नहीं दे तो जा कटे। तो हमारे आप नेता हैं, हम आपसे मांग करते हैं। इस विद्यालय में आपने बहुत कुछ दिया है, लेकिन जिस मंच पर हम आप विराजमान हैं, इस मंच पर अगर कोई आयोजन होता है, पानी आ जाता है तो दखल होता है। तो इस पर एक वो क्या बोलते हैं डॉम छाया अगर बन जाए, आपकी तरह से आज घोषणा हो जाए और ये तोहफा अगर विद्यालय को मिल जाए तो हमारा और ये होगा। हाँ, जैसा कार्यकर्ता कहे वैसा, अगर आरसीसी का बनाना है या डॉम बनाना है, जो भी है, ये अगर आप उपलब्ध करा दे, घोषणा कर दे, तो हमारा अहोभागी हो गया। एक और यहाँ पे साइकिल स्टैंड मोटर स्टैंड की समस्या है, तो इसके लिए मैं व्यक्तिगत सलाह देता हूँ कि ये जो हमारे सामने जहाँ रोड़ियाँ पड़ी थी, श्रीमान जी रोड़ियाँ हटा करके और वृक्षारोपण किया, तो वो जो जमीन है वहाँ बाहर तार फेंसिंग हो जाए और इधर से एक गेट हो जाए और वहाँ पे साइकिल स्टैंड बन जाए, वहाँ पे छाया करने की जरूरत नहीं, वृक्ष लगे और शाला, तो जगह भी सुरक्षित हो जाएगी और विद्यालय में जो साइकिल स्टैंड वाली समस्या है उसका भी समाधान हो जाएगा। यही मैं कमेटी को और विद्यालय प्रशासन को निवेदन कर रहा हूँ, ऐसा हम कर सकते हैं। तो पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला, आप पधारे, कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। जैसा विद्यालय प्रशासन से, गाँव वालों से बन सक रहा है वैसा कर रहे हैं, और सब यूँ कह रहे हैं कि नहीं, जैसा हम चाहते थे उससे भी और बेहतर हो रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं सभी इस कार्य में लगे हुए हैं। पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है।